हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन को समझाने से पहले नंबर लाइन पर हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर लाइन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस चैप्टर को समझने के लिए नंबर लाइन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने ये नंबर लाइन बनाई हुई है, आप इस नंबर लाइन को देखिए, ध्यान से देखिए। आपको ये जीरो बीच में दिखाई दे रहा है, ये इधर राइट साइड है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे हुए हैं। ये लेफ्ट साइड है, सारे नेगेटिव इंटीजर्स लिखे हुए हैं। जब हम इधर चलते चले जाएंगे तो नंबर की वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी, और इधर चलते चले जाएंगे तो नंबर की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर आप इतनी बात याद रखेंगे, नंबर लाइन को माइंड में रखेंगे, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, रिप्रेजेंट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -3 और 3। क्वेश्चन हमारे पास ये पूछा जा रहा है कि -3 और 3 के बीच में आने वाले सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास देखना है -3 कहां पर है। ये है हमारे पास -3, ये दिस इज -3, और 3 कहां पर है, ये है हमारे पास 3। दिस इज 3, 3 मींस +3, एंड दिस इज -3। ऑल दीज नंबर्स आर बिटवीन -3 एंड +3। तो आप -3 और +3 के बीच के सारे नंबर्स को देख सकते हैं, -2, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो आप देख रहे हैं कि -3 और +3 के बीच में आने वाले सारे इंटीजर्स कौन से हैं, ये -2, -1, 0, 1, 2। ये सारे नंबर्स -3 और +3 के बीच में आने वाले इंटीजर्स हैं। तो अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप निकाल सकते हैं इजीली, कोई इसमें खास बात नहीं है। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, लोकेट द लार्जर इंटीजर इन ईच ऑफ द गिवन पेयर। ये हमको कुछ पेयर्स दिए गए हैं, इन पेयर में हमको ये पता लगाना है कि कौन सा नंबर, कौन सा इंटीजर लार्जर इंटीजर है। जैसे कि ये -4 और -1, फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं -4 और -1। तो आप देख रहे हैं -4 ये लिखा हुआ है और -1 ये लिखा हुआ है, ये -1 है और ये -4 है। तो आप क्या देख रहे हैं नंबर लाइन पर, कि -4 लेफ्ट साइड में है और -1 राइट साइड में है। -1 के लेफ्ट साइड में है -4, इट मींस -4 स्मॉलर नंबर हुआ, और -4 के राइट साइड में है -1। दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं हम कि -4 के राइट साइड में है -1, इट मींस -1 हुआ लार्जर इंटीजर। तो हम लिखेंगे कि -1 इज लार्जर। अगर हम इस पेयर की बात करें तो -1 इज लार्जर। सेकंड पेयर में आते हैं, -5 एंड -2। ये -5 और ये -2, -5 और -2 को आप देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर लार्जर है। राइट साइड में है -2, लेफ्ट साइड में है -5, तो -2 हुआ लार्जर, -2 इज लार्जर। नंबर लाइन को देखकर आप इजीली ये सब पता लगा सकते हैं। थर्ड हमारे पास -3 एंड 0। अब -3 और 0 में हमको पता लगाना है, ये है -3 और ये है 0। तो 0 हमारा कहाँ आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, और -3 कहाँ आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो -3 हुआ स्मॉलर और 0 हुआ लार्जर, तो हम लिखेंगे 0 इज लार्जर। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। देखिए,
क्वेश्चन हमारे पास ये है, यूजिंग नंबर लाइन फाइंड द इंटीजर्स विच इज, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थ्री मोर देन माइनस फाइव। थ्री मोर देन माइनस फाइव का जो मीन्स है वो क्या है कि हमको माइनस फाइव में थ्री ऐड करना है, माइनस फाइव में थ्री ऐड करना है, मीन्स माइनस फाइव से थ्री ज्यादा, माइनस फाइव से थ्री ज्यादा। तो ज्यादा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम कैसे इसको नंबर लाइन से सॉल्व करेंगे जरा देखिए। माइनस फाइव हमारे पास कहां पर है, ये है हमारे पास माइनस फाइव। जब हमको माइनस फाइव से थ्री ज्यादा चाहिए, मोर देन चाहिए, तो हमको राइट साइड में जाना पड़ेगा। किधर जाना पड़ेगा, राइट साइड में। तो हम राइट साइड में चलते हैं, वन टू एंड थ्री, और थ्री स्टेप्स चलकर हम कहां पहुंचे हैं, माइनस टू पर पहुंचे। तो इससे हमको क्या बात समझ में आई कि अगर हम माइनस फाइव में प्लस थ्री ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस टू आएगा। क्या आएगा हमारे पास, माइनस फाइव में प्लस थ्री ऐड करेंगे तो माइनस टू आएगा। तो ये हो गया हमारे पास थ्री मोर देन माइनस फाइव इज माइनस टू। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं माइनस टू, लेकिन आप इस तरह से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, सिक्स लेस देन थ्री, सिक्स लेस देन थ्री मीन्स हमको थ्री में से सिक्स कम करना है, थ्री में से सिक्स कम करना है। तो हमारे पास थ्री कहां पर है, ये है हमारे पास थ्री। अब हमको थ्री में से सिक्स कम करना है, कम करने के लिए हमको चलना पड़ेगा लेफ्ट साइड। तो ये माइनस थ्री, ये थ्री है सॉरी, वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर स्टेप फाइव स्टेप और सिक्स स्टेप, सिक्स स्टेप चलकर हम कहां पहुंचे हैं, हम यहां पहुंचे हैं माइनस थ्री पर। तो अगर हम ये कहें कि हम थ्री में से सिक्स को कम करें तो हम कहां पहुंचेंगे, माइनस थ्री पर पहुंचेंगे। देखिए थ्री ये रहा, वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर स्टेप फाइव स्टेप और सिक्स स्टेप। तो थ्री में से प्लस थ्री कम किया हमने कितना, सिक्स, तो हम कहां पहुंचे, माइनस थ्री आ गया। अगला हमारे पास सिक्स मोर देन माइनस टू, सिक्स मोर देन माइनस टू। मोर देन के लिए हमको चलना है राइट साइड में और लेस देन के लिए चलना है हमको लेफ्ट साइड में। तो देखिए फिर हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, एक बार फिर उसी तरीके से चलेंगे। तो देखते हैं, सिक्स मोर देन माइनस टू, माइनस टू कहां पर है हमारा, ये है माइनस टू। माइनस टू से हमको कितना ज्यादा चाहिए, सिक्स। इट मीन्स हमको सिक्स स्टेप्स राइट साइड में चलना पड़ेगा। तो वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स स्टेप्स चलकर माइनस टू से सिक्स स्टेप्स चलकर हम कहां पहुंचे हैं, यहां पहुंचे हैं प्लस फोर पर। तो हम लिख सकते हैं कि माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू प्लस फोर, ठीक है। अगला आपके पास है फोर लेस देन माइनस वन, इट मीन्स आपको माइनस वन से फोर कम चाहिए, माइनस वन से फोर कम चाहिए। इट मीन्स माइनस वन से आपको फोर माइनस करना है, माइनस करना है तो आपको लेफ्ट साइड में चलना है, कहां से, माइनस वन से। ये है आपके पास माइनस वन, और माइनस वन से आपको कितना कम चाहिए, फोर कम चाहिए। कम चाहिए के लिए आपको किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में। तो आप यहां से फोर स्टेप्स लेफ्ट साइड में, वन टू थ्री एंड फोर,
और कहां पहुंचे आप, माइनस फाइव पर पहुंचे। तो आप लिख सकते हैं कि माइनस वन माइनस फोर, माइनस वन में से आपने कितना कम किया, फोर कम किया, कम करने के लिए साइन यूज किया जाएगा माइनस का और ज्यादा करने के लिए साइन यूज किया जाएगा प्लस का। तो माइनस वन माइनस फोर इज इक्वल टू आप कहां पहुंचे हैं, माइनस फाइव पर। तो ये आपके पास आ गया माइनस फाइव। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास थ्री लेस देन जीरो, आपको जीरो से थ्री कम चाहिए, जीरो से थ्री कम करना है आपको। तो जब आप जीरो से थ्री कम करेंगे तो कम करने के लिए आप कौन सा साइन यूज करते हैं, माइनस। तो जीरो माइनस थ्री, ये है आपके पास जीरो, आपको कितना कम चाहिए, थ्री। कम करने के लिए आप किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड में, वन टू थ्री स्टेप्स आप लेफ्ट साइड में चले, कहां पहुंचे आप, माइनस थ्री पर। तो आपके पास आंसर आया माइनस थ्री। तो इस तरीके से आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे, आप इजीली इनको नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस के बाद अब एक और नई चीज बताते हैं आपको, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम निकालना चाह रहे हैं, वो इंटीजर चाहे नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते समय हम उसका साइन नहीं लिखते। जैसे कि ये लिखा हुआ माइनस फाइव, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए ये दो वर्टिकल लाइंस यूज की जाती हैं, ये सिंबल है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का। अगर ये इस तरीके से लगा हुआ है तो आप समझ लें कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। इसको हम मॉडुलस भी बोलते हैं, आप बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे इसको मॉडुलस के रूप में। तो अभी आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कह सकते हैं। तो माइनस फाइव की एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम लिखेंगे तो केवल फाइव लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें हमें साइन से मतलब नहीं होता है। तो माइनस फाइव की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइव, प्लस फाइव की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइव। कहने का मतलब यह है कि एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते समय हमें नंबर के आगे साइन नहीं लगाना है, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा इस तरीके से बिना साइन के लिखी जाएगी। अब एब्सोल्यूट वैल्यू पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम देख लें, हमको इसका आंसर निकालना है माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस सेवेंटी। तो हम इसको सॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं, माइनस ये वाला है, जब हम माइनस सेवेंटी टू की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे 72, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते समय हम साइन यूज नहीं करते। तो ये जो साइन था ये हम लगाएंगे नहीं, 72 आ जाएगी वैल्यू, और ये साइन जो लगा हुआ है ये आगे लगा रहेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 72। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें 14 माइनस 6, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 14 माइनस 6, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और सब्ट्रैक्ट कर लेने के बाद हमारे पास मॉडुलस के अंदर आएगा 8, और इसको हम लिख सकते हैं 8। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 8। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें 10 माइनस 15, तो मॉडुलस के अंदर आएगा माइनस 5, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास माइनस 5 आएगा, और माइनस 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 5। इसी तरीके से अगर इसको देखें तो ये प्लस 8, फिर प्लस और माइनस 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी हमारे पास 8। 8 और 8 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 16। तो इस तरीके से हम एब्सोल्यूट वैल्यू के भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू कोई विशेष बात नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपकी बुक में है, आपको सीखना है,
हायर क्लासेस में इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसका नाम वहां पर मॉडुलस होता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है।